नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में पढ़ा था और फ्रांसीसियों के आगमन से ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य इसको एक और नाम से भी पढ़ते हैं, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को मुगलों का पतन। तो देखो, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को ही हम मुगलों का पत्तल काल के नाम से भी पढ़ते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, अगर ये उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य है तो इससे पहले भी कोई पूर्ववर्ती मुगल साम्राज्य रहा होगा। इतिहास को हम सापेक्षता में पढ़ते हैं। सपोज मान लो आज कोई चीज़ महंगी हो गई है तो इसका मतलब है कि कभी वो चीज़ सस्ती रही होगी। वैसे ही है कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य अगर ये है तो इससे पहले भी पूर्ववर्ती मुगल साम्राज्य रहा होगा। मुगलों का पत्तन काल, अगर ये पत्तन काल है मुगलों का तो मुगलों का चरम उत्कर्ष काल भी रहा होगा, तभी तो मुगलों का पत्तन हुआ है। तो थोड़ा मुगल साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ये अप्रैल 1526 को। जब पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 को होता है, ये दो बादशाहों के मध्य होता है। एक होता है इब्राहिम लोदी, क्योंकि उस समय जो सल्तनत काल था दिल्ली का, तो उस पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था, लोदी वंश का कब्जा था, उसका शासक था इब्राहिम लोदी। और ये बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था, फरगना का रहने वाला था बाबर, तो इसने भारत पे आक्रमण किया और आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया, यानी इसमें विजयी हुआ ये। तो इसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य में अगर आपसे पूछ ले किन किन बादशाहों को पढ़ते हैं जो मध्यकालीन इतिहास में पढ़े जाते हैं, पहला बादशाह है बाबर। और बाबर का कार्यकाल था आपका ये 1526 से 30 तक था। इसके बाद आपका आता है हुमायूं, और हुमायूं का कार्यकाल है वो आपका 1530 से लेके 40, ये दो टुकड़ों में है। उसके बाद 55 से लेके 56, ठीक। इसके बाद आपका आता है अकबर, और अकबर का कार्यकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। इसके बाद आपका आता है जहांगीर, जहांगीर का कार्यकाल है आपका 1605 से लेके 1628। इसके बाद आपका आता है शाहजहां, शाहजहां का कार्यकाल है आपका 1628 से लेके 1658 तक। उसके बाद आपका आता है औरंगजेब, और औरंगजेब का आपका कार्यकाल है 1658 से लेके, थोड़ा गैप आता है यहाँ पर, 58 से लेके 1707 ईस्वी तक। तो ये बादशाह हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य में, और ये मुगल साम्राज्य पढ़ा जाता है मध्यकालीन इतिहास में। इसके बाद 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद मुगलों का पत्तन काल प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ से औरंगजेब के बाद को हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में, साम्राज्य में पढ़ेंगे तो इसमें पहला बादशाह पढ़ेंगे बहादुर शाह 1607 से 12 तक। इसके बाद जो बादशाह पढ़ेंगे हम जहांदार शाह, जहांदार शाह इसका कार्यकाल है 1712 से लेके 13 तक। इसके बाद आपका आता है फर्रुखसियर,
फर्रुखसियर का कार्यकाल है आपका 1713 से लेके 19 तक। इसके बाद आपका आता रफ़ी उद दर्जात, इसका कार्यकाल है आपका 28 फरवरी से लेके 4 जून 1719 तक। इसके बाद आपका आता है रफ़ी उद्दौला, इसका कार्यकाल है आपका 6 जून से 17 सितंबर 1719। इसके बाद आपका आ जाता है मोहम्मद शाह, इसका कार्यकाल है 1719 से लेकर 1748। इसके बाद आपका आता है अहमद शाह, इसका कार्यकाल है 1748 से लेकर 1754। उसके बाद आपका आता है आलमगीर द्वितीय, इसका कार्यकाल है 1754 से लेकर 1758। फिर आपका आता है शाह आलम द्वितीय, ये 1758 से लेके 1806 ईस्वी तक। फिर आपका आता है अकबर द्वितीय का कार्यकाल है 1806 से लेके 1837 तक। फिर आपका आता है बहादुर शाह द्वितीय, इसका कार्यकाल है 1837 से 1857 तक। इन बादशाहों को उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में पढ़ते हैं। बहादुर शाह को हम इतिहास में शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं, शाहे बेखबर। ठीक, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के भी नाम से जानते हैं, और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जानते हैं, और इसको हम मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं। तो आप इनके नामों से ही अंदाजा लगा सकते हो कि इनके लंपट मूर, घृणित कायर, रंगीला, शाही बेखबर, इसको हम जफर के नाम से, क्योंकि ये जफर के नाम से शायरियाँ लिखा करता था। यानी मुगल बादशाह के ये दिन आ गए कि मुगल बादशाह लाल किले में बैठ के शायरियाँ लिखा करता। ये इतने अयोग्य और निर्लज थे कि ये आपस में ही लड़ा करते थे। तो ये उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्यों का क्रम है, इसको आप नोट कर लो। और ये मुगल साम्राज्य का जो मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, ये आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में सबसे पहले पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम को। और बहादुर शाह प्रथम को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मुगलों का जो मध्यकालीन इतिहास में मुगल अपने चरम उत्कर्ष काल पे थे, तो आधुनिक इतिहास में आके या 3 मार्च 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन काल क्यों प्रारंभ हो गया, वो क्या क्या कारण थे जिससे मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो गया। मुगलों के पतन के कारण, आपसे पूछ ले कि मुगलों के पतन के क्या कारण है, मुगलों के पतन के क्या कारण थे। तो पहला है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर व्यक्ति था। जितने मुगल साम्राज्य में बादशाह हुए, सबसे अधिक अगर कोई धर्म को लेके कट्टर था तो वो औरंगजेब था। उसके बाद औरंगजेब की दक्कन की नीति, दक्कन का मतलब है दक्षिण, दक्कन की नीति। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य शासक का होना, इसके बाद मुगल दरबार में गुटबंदी, इसके बाद आप पढ़ें मराठा
शक्ति का उदय हो गया भारत में। एक और कर लो, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के हमले हैदराबाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो ये सब मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बनते हैं। तो पहले ये समझो कि औरंगजेब अपने धर्म को लेके काफ़ी अधिक कट्टर माना जाता है, और ये जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करवाता था। इसकी धार्मिक नीतियों से भी समाज के लोग असंतुष्ट थे। ठीक, इसके बाद औरंगजेब की दक्कन की नीति या दक्षिण की नीति, ये उस समय का भारत है। जब ये उस समय का भारत है तो दिल्ली हमारी यहाँ पर है। जब दिल्ली हमारी यहाँ है और दक्कन ये है, ये दक्कन है, तो अब ऐसा नहीं कि औरंगजेब ही पहला शासक था जिसने दक्षिण को जीतने की योजना बनाई हो। नहीं, औरंगजेब से पहले ये काम समुद्रगुप्त ने किया था। लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया था, दक्षिण को जीता और जीतने के बाद उससे धन लिया, और धन लेने के बाद छोड़ दिया दक्षिण को। वहाँ पर रहकर या वहाँ अपने स्थान से उसको कंट्रोल करने की नहीं सोचा। समुद्रगुप्त के बाद आप अलाउद्दीन खिलजी ने भी, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। उसने भी दक्षिण को जीता, लेकिन जीतने के बाद लूटा और छोड़ दिया। लेकिन एक गलती करता है आपका MBT, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक इस नाम से जानते हैं। तो ये भी एक गलती करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्कन को जीतता है, और ये तो इतनी बड़ी गलती करता है कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में जाके स्थापित कर देता है, यानी यहीं पर। लेकिन एक समय ये आता है कि यहाँ से फिर अपनी राजधानी पुनः दिल्ली ले जाता है। तो ये भी MBT की एक पतन का कारण था। तो बस वही गलती औरंगजेब दोहराता है कि इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। लेकिन औरंगजेब ने इन लोगों से नहीं सीखा। तो एक औरंगजेब की गलती है कि औरंगजेब दक्षिण को जीतना चाहता था। तो औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह हुए वो सभी अयोग्य बादशाह हुए। उसके बाद मुगल दरबार में गुटबंदी। कहते हैं कि जब राजा कमजोर होता है तो मंत्री मजबूत हो जाते। मंत्री ही राजा बनाते थे और मंत्री ही राजा के पद से हटाते थे। इसके बाद मराठा शक्ति का उदय। एक मराठा यहाँ पर शिवाजी ने औरंगजेब के ही समय एक मराठा शक्ति का उदय कर दिया 1674 ईस्वी में। लेकिन जब ये मुगलों का पतन काल चल रहा था, या उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को हम पढ़ते हैं 1757 तक, तो यहाँ पर मराठा इसमें 1707 के बाद 1761 तक, यानी 1713 में आपके तीन पेशवा इतने मजबूत हुए, बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद उसका लड़का बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव, ये तीन पेशवा हुए। इन्होंने मुगल, जब नादिर शाह ने 1739 में हमला किया मोहम्मद शाह रंगीला पर, करनाल का जो युद्ध होता है, उससे पहले मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। ये बंगाल बन गया था, ये आपका हैदराबाद बन गया था, इधर आपका ये कर्नाटक बन गया था, ये आपका यहाँ अवध बन गया था। तो जब ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, तो नादिर शाह था आक्रमणकारी, भारत को लूटना भी चाहता था। जब लूटना चाहता तो
तो उसने देखा मुगल साम्राज्य टुकड़ों में डिवाइड हो गया है, यानी उसकी शक्ति, मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई, तो क्यों ना इस कमज़ोर शक्ति का फ़ायदा उठाया जाए और मुग़ल साम्राज्य को लूटा जाए। तो इसने भी हमले किए और वही नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ये भी करता है। इसके बाद आपका यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जब ये राज टूट रहे थे यानी मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, गोवा, गोवा में कौन बैठा है, पुर्तगाली, यहाँ पे गोवा, गोवा में पुर्तगाली बैठे, यहाँ पर क्या है पांडिचेरी, पांडिचेरी में कौन बैठा है, फ्रांसीसी बैठे हैं, इसके बाद यहाँ पे कौन बैठा है, अंग्रेज मद्रास में। तो ये सब कुछ देख रहे हैं और एक इंतज़ार कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनियाँ जितनी भी हैं वो यहाँ से देख रही हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा है। तो चलिए, ये मुग़लों के पतन के कारण हैं। अब हम पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम को। देखो, औरंगजेब की मृत हुई 3 मार्च 1707 को। जब औरंगजेब की मृत हो गई 3 मार्च 1707 को, तो जब औरंगजेब की मृत के बाद इसके 4 लड़के थे, आपसे पूछ ले औरंगजेब के कितने लड़के थे, तो 4 लड़के थे। पहले का नाम है अकबर द्वितीय, इसके बाद है आपका मुअज्जम, इसके बाद है आपका मोहम्मद आजम, इसके बाद आपका है कामबख्श। तो अकबर द्वितीय था वो, औरंगजेब जब जीवित था औरंगजेब से विद्रोह करके ईरान भाग गया था। तो ये तो उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये तो भाग गया, ये था काबुल का सूबेदार। ये काबुल का सूबेदार था, ये आपका गुजरात का सूबेदार था, ये आपका दक्कन का सूबेदार था। मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था कि कौन सा लड़का बादशाह बनेगा, बड़ा लड़का बनेगा या छोटा बनेगा, कोई योग्यता भी नहीं थी, और योग्यता होगी तो उसके मानदंड क्या होंगे, कोई नियम नहीं था, कहने का मतलब ये। तो ये उत्तराधिकारी के लिए आपस में ही लड़ा करते थे। इसको औरंगजेब का एक वजीर था, जिसको वजीर को प्रधानमंत्री बोलते हैं मुगल साम्राज्य में, उसका नाम था असद खां, असद खां। तो मोहम्मद आजम को असद खां का समर्थन प्राप्त था, यानी असद खां चाह रहा था कि मोहम्मद आजम बादशाह बने, लेकिन बड़ा लड़का ये था। ऐसे ही सूचना मिली कि पिताजी की मृत हो चुकी, तो तीनों दिल्ली की ओर भागे। जब तीनों दिल्ली की ओर भागते हैं तो इसके और इसके, इन दोनों के बीच में होता है युद्ध, और उसको कहते हैं काय का युद्ध हुआ, जजाऊ का। जजाऊ का युद्ध कब हुआ, तो 1707 में हो गया। जब 1707 में हो गया तो ये है आजम मारा जाता है, उसके बाद ये बादशाह बन जाता है। तो उसके बाद बादशाह बनने के बाद 1709 में हैदराबाद में इसकी हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है तो अब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र बादशाह हो गया। अब इसको, क्योंकि इसको 1707 में पहले ही हरा चुका है, कामबख्श को 1709 में हैदराबाद में हरा दिया। अब आपसे पूछ ले कि कामबख्श को हराने में किसने मदद की थी मुअज्जम की, तो मदद की थी इसमें मुअज्जम की मदद गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं उन्होंने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक, तो अब ये मुअज्जम बादशाह बन गया और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो अब बहादुर शाह को पढ़ते हैं।
बहादुर शाह प्रथम। इसका जो कार्यकाल है वो 1707 से 1712 तक है। तो अब आपसे पूछ ले कि जो बहादुर शाह है इसका वास्तविक नाम क्या है। तो बहादुर शाह मुअज्जम है। इसका एक नाम और है, इसको शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। इसको शाहे बेखबर की उपाधि खफी ने दी थी। आपसे पूछ ली किसने दी थी, तो खफी एक थे। ये औरंगजेब के रहते रहते ये बूढ़ा हो गया, ये 63 वर्ष हो गई इसकी, ये बादशाह नहीं बन पाया। ये 63 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बनता है। अब 63 वर्ष की उम्र में जब ये बादशाह बनेगा तो किस प्रकार की नीति को अपना, 63 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बनता है। अब 63 वर्ष की उम्र में जब ये बादशाह बनेगा, समझौता वादी नीति का अनुसरण किया, यानी इसने समझौतावाद की नीति का मतलब है कंप्रोमाइज पॉलिसी, मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसके बाद पूछ ले आपसे, और इसके बारे में फैक्ट है, गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध बनाए। आप समझ लो, तथा मनसब दी। इसने, बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध अपनाए थे और गुरु गोविंद साहब को मनसब भी दी थी। उस मनसब देने का कारण वो था कि कामबख्श के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह की या मुअज्जम की मदद की थी। ठीक, 1707 में साहू को रिहा कर दिया। 1707 में इसने साहू को रिहा कर दिया। इसके बाद इस समय 1711 में एक डच शिष्टमंडल जेसुआ केटलर के नेतृत्व में भारत आया। भारत आया तो स्वागत किया था इसका। एक पुर्तगाली स्त्री थी, इसका नाम था जूलियाना। जूलियाना ने स्वागत किया था, और इसी जूलियाना को बीबी फिदवा की उपाधि दी थी। फिदवा की उपाधि दी। ठीक है, आपसे पूछ ले कि जो 1711 में एक डच शिष्टमंडल आया जेसुआ केटलर के नेतृत्व में, उसका स्वागत किसने किया था। तो एक पुर्तगाली स्त्री थी जूलियाना, तो उसी ने स्वागत किया था और उसको बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी। ठीक, तो इतने पॉइंट बहादुर शाह प्रथम के बारे में काफ़ी हैं। अब आपसे पूछ ले कि 1707 में साहू को रिहा ये क्या है। तो इसके लिए हमको थोड़ा मराठा के चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो देखो, ये उस समय का भारत है, यहाँ पर है मराठे, और मराठों की संरक्षिका उस समय है ताराबाई, और यहाँ पर है दिल्ली आपका। जब दिल्ली है तो दिल्ली यहीं पर आपका साहू है, यानी यहाँ पे है बहादुर शाह। जब यहाँ बहादुर शाह है तो मराठों की जो स्थापना की थी वो शिवाजी ने की थी, और शिवाजी ने की थी। शिवाजी का कार्यकाल था 1674 से 1680। इसके बाद इसका लड़का हुआ संभाजी,
और संभाजी का कार्यकाल था आपका 1680 से 1689। 1689 में संभाजी की हत्या कर देता है औरंगजेब। जब औरंगजेब हत्या कर देता है तो इसका अल्पवयस्क बच्चा था छोटा, जिसको बोलते हैं साहू। तो साहू को औरंगजेब ने कैद कर लिया, यानी अपने दरबार में ले गया और साहू का लालन पालन किया। जब लालन पालन किया तो उधर शिवाजी का एक दूसरा लड़का था राजा राम, उसने गद्दी पे तो बैठ गया। जब गद्दी पे बैठ गया उसके बाद उसका राजा राम का लड़का हुआ शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय ये अल्पवयस्क बच्चा था, तो इसकी माता थी उस समय ताराबाई, यही शासन कर रही थी। ये तो नाम मात्र का शासक था, तो यहाँ पर ताराबाई शासन कर रही। इधर बहादुर शाह के जेल में कैद है साहू, तो क्यों ना साहू को छोड़ दिया जाएगा, तो एक ही गद्दी के लिए इधर ताराबाई और इधर साहू आ जाएंगे। जब साहू आ जाएंगे तो इसी गद्दी के लिए आपस में विवाद होगा। जब विवाद होगा तो मराठे इससे चाहे गद्दी ताराबाई को प्राप्त हो, तब भी मराठों का ही नुकसान हो रहा है। कहते हैं कि दो भाई आपस में लड़ते हैं तो नुकसान उन्हीं का ही होता है, और अदर लोग होते हैं उनका बेनिफिट होता है। तो अगर साहू को गद्दी प्राप्त होती है तब भी मराठे कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसने तुष्टिकरण की नीति अपनाई। तो यह है साहू की रिहाई। तो साहू की रिहाई को हम पढ़ेंगे मराठों वाले चैप्टर में। तो आज हमने पढ़ा बहादुर शाह प्रथम को, कल पढ़ेंगे जहांदार शाह को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।